Actually, very good evening to all of you. Myself Vikram, your business study teacher as well as your accountancy teacher. From Vikram VVN Sir's commerce classes. Right, Vikram, Vijay and Narendra. VVN standing for Vikram, Vijay and Narendra. तो ये तीन जो नाम हैं उन तीनों ने मिलकर इस ग्रुप को स्टार्ट किया है और उसी से रिगार्डिंग हम ये क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं. क्लास 12th बिजनेस स्टडी यूनिट 9th के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. पॉइंटर जो है मैं एक बार ऑफ कर लेता हूँ. यस, देखिए बेसिक जो चैप्टर है हमारा दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक ह्यूज टर्म है, बड़ी टर्म है यदि हम इसको समझें तो. यहाँ पर दो वर्ड बेसिकली आपस में मिले हुए हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरा मैनेजमेंट. फाइनेंशियल इज जस्ट लाइक द सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे किसी बिजनेस में किसी ह्यूमन बीइंग में आत्मा की रिक्वायरमेंट होती है ना, आत्मा की जरूरत होती है उसको मूवमेंट्स कराने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए. उसी तरीके से किसी बिजनेस में हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. दूसरा पार्ट है हमारा मैनेजमेंट, जिसमें हम तीन जो है बेसिक पार्ट्स में इसको बांट लेते हैं. एक तो मैनेज, दूसरा मैन, तीसरा टी, टी स्टैंडिंग फॉर योर थिंग्स. तो यहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, मैन को एक्सक्लूड कर देते हैं, यहाँ से मैन को एक्सक्लूड कर देते हैं थिंग्स का, और इन थिंग्स में हम इंक्लूड करके चलते हैं अपना फाइनेंस, मनी. हमारे पास 4 M's हम बेसिकली पढ़ते हैं मैनेजमेंट के अंदर, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड. उनमें से मनी जो है दैट वन एलिमेंट जो है मैनेजमेंट का, उसको हम लोग बेसिकली यहाँ क्या करके चलते हैं, मैनेज करके चलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टैंडिंग फॉर दैट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. पार्टिकुलरली ये जो मैनेजमेंट है हमारा, उसका एक पार्टिकुलरली ऐसा फंक्शन है जिसका यूटिलाइजेशन आप बेसिकली किस पर्पज के लिए करते हैं, किस उद्देश्य के लिए करते हैं. जो भी आपका फाइनेंस है, उन फाइनेंस में, उस फाइनेंस को बेसिकली तीन तरीके से मैनेज करने के लिए, कहाँ पर उसको आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहाँ से उसे आप अरेंज करने वाले हैं, और किस प्रकार से आप उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं टू द शेयर होल्डर्स. दैट इज टू बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अगर मैं थोड़ा सा इसके मीनिंग पर बात करूं तो बेसिकली इट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी. ये किसी भी बिजनेस की एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिव यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे को प्रॉपरली कहां से आप लोग अरेंज करेंगे और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ये दो बेसिक बातें जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमारा पर्पज होता है वहां पर समझने का कि दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कौन सी दो बातें? ऑब्टेनिंग द फंड्स. फर्स्ट वन क्या है आपका? ऑब्टेनिंग द फंड्स, जो पैसा आप ऑब्टेंड करेंगे. ऑब्टेनिंग द फंड्स, पैसा जहां से आपको ऑब्टेंड करना है. सेकंड, यूटिलाइजेशन. जो पैसा आपने ऑब्टेंड कर लिया उसका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपरली होना चाहिए, यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए. तो इसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए जो काम हम करते हैं, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी एक फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म करता है, फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म करता है, दैट इज टू बी नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास की. और टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसका कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन से हमारा क्या मतलब है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजंस. जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं. इट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कंसेप्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है,
कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट्स क्या हैं और फैक्टर अफेक्टिंग। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे मैक्सिमम अप टू फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। इस पर हमारी दो या तीन क्लासेस हम रखेंगे और दो या तीन क्लासेस में इस पूरी यूनिट को कवर करने की कोशिश रखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। टोटल 9th, 10th, 11th, 12th ये चार यूनिट में करवाने वाला हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अगर कोई पार्टिकुलर कहीं आपको डाउट रहा तो। इस टॉपिक्स में जो सबसे पहला पॉइंट हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बारे में यदि बात करें तो मैंने आपको इसका मीनिंग बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स दैट मैनेजमेंट और दैट ऑपरेशनल एक्टिविटी अंडर विच वी आर फोकसिंग ऑन ऑब्टेनिंग द एंड यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। आप लोगों को पता है इफेक्टिव और एफिशिएंट दो वर्ड हैं पार्टिकुलरली। जब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की तो इफेक्टिव लास्ट में जाके चलता है TIVE, इफेक्टिव। और दूसरा वर्ड है एफिशिएंट, एफिशिएंट जिसमें अगर हम लास्ट में जाएं तो हमारी बात की जाती है CIENT, एफिशिएंट। तो यहां पर ये दो वर्ड हैं सी और टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टी स्टैंडिंग फॉर ओन टाइम, दिस सी स्टैंडिंग फॉर एट मिनिमम कॉस्ट विद मैक्सिमम आउटपुट्स। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इसलिए हमने रखा है इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्ड, क्योंकि इसमें जो पैसा आप अरेंज करने वाले हैं ना, दैट शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड शुड बी वेरी एफिशिएंट, यानी टाइमली आपको अवेलेबल हो जाए फंड्स और कम से कम लागत में अवेलेबल हो जाए। इसीलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये बात रखते हैं कि फंड्स का अरेंजमेंट, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। और ये दो बातें जहां पर भी आप रख दोगे दैट विल बिकम्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेट मी डिस्कस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्टिविटी, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। नाउ हियर इफेक्टिव प्लानिंग, फाइनेंशियल अफेयर्स, मैनेजमेंट एक्टिविटी, दीज आर द कीवर्ड्स दैट आर टू बी यूज्ड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग। ये मैनेजमेंट एक्टिविटी का एक ऐसा पार्ट है जिसका पर्पस इफेक्टिव प्लानिंग करना होता है, प्लानिंग अबाउट द ऑब्टेनिंग द फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स एंड कंट्रोलिंग करना होता है। कंट्रोलिंग मीन्स कि हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं रिगार्डिंग दीज थिंग्स। तो जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनको हम यहाँ कंट्रोल भी करते हैं, उनके लिए इफेक्टिव प्लानिंग भी करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज टू बी नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू J.L. मैसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस। सी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट, ये दो वर्ड हम अपने मीनिंग में, डेफिनेशन में जरूर रखेंगे क्योंकि ये हमारी मदद करेंगे पार्टिकुलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने में, जिसमें दो बातें आपने रखी हैं ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द फंड्स। ऑब्टेनिंग मतलब एट मिनिमम कॉस्ट, यूटिलाइजिंग मतलब ऑन टाइम आप उसको इजीली क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, जब जरूरत है तो पैसे का अरेंजमेंट भी हो सके और उसका यूटिलाइजेशन भी किया जा सके। चलिए नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिकली देयर इज सोल ऑब्जेक्टिव, आप कह सकते हैं ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है जो भी बिजनेस में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपका ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे, उस पैसे में ज्यादा ज्यादा क्या हो, ग्रोथ हो, that is to be termed as wealth maximization। वैसे तो बेसिकली हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनमें अगर बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन उसमें भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को आप सर्वप्रिय मानते हैं
यू विल कीप इट एट द प्रायोरिटी, देयर आफ्टर यू विल फोकस ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और कुछ हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को हम बाद में देखेंगे, पहले वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय शेयर होल्डर्स विच इज डन इन द फॉलोइंग वेज, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। जब ये तीन डिसीजंस जो हैं आपके वो बहुत अच्छे से आप लोग परफॉर्म कर पाते हैं, इनको अरेंज कर पाते हैं, इनको एडजस्ट कर पाते हैं, देन यू विल से दैट योर वेल्थ इज गोइंग टू बी मैक्सिमाइज। आपकी वेल्थ जो है वो क्या हो रही है, मैक्सिमाइज हो रही है। बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन विल बी इक्वल टू वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, इसको आप वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के नाम से भी बुलाते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ध्यान रखिएगा। एंड समटाइम्स द क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कि व्हाट वुड बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन दैट कंडीशन हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द होल्डर्स, शेयर होल्डर्स शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स उसने हेल्ड कर रखे हैं, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली हम तीन डिसीजंस को लेकर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। जब आप बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इसका मतलब होता है बेसिकली योर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक्वायरिंग द फाइनेंस। डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएशंस। तो बेसिकली हम इनको तीन ए भी बोल सकते हैं, देयर आर थ्री एज, दे आर कॉल्ड एज थ्री एज, ए allocation of the funds, A acquisition of the funds, A appropriation of the funds। जो profit आप कमाते हैं, profit appropriation of the profit, जो कमाते हैं उसको बांटना, वो fund कहाँ से arrange होगा, उसको कहाँ पर आप allocate करेंगे। So these are also called as three A's, that is allocation, arrangement or acquisition and appropriation। इनको इन तीन नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। तो इनके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके मीनिंग्स के बारे में। यस अदिति बताइए प्लीज। सर इसमें शेयर होल्डर में से इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होते हैं ना? हाँ, इक्विटी बेसिकली आप लोग जो प्रेफरेंस करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम बेसिकली वहां इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक्चुअल ओनर्स होते हैं जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो आप लोग फिक्स रेट से डिविडेंड पेड करते हैं, तो दे विल गेट देयर डिविडेंड ऑन टाइम एंड एट द फिक्स रेट। तो उनको हम यहाँ थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। बेसिकली आप लेते किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उन्हीं की हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को चेक करना है, उन्हीं की वैल्यू को चेक करना है एक्चुअल में बिजनेस में उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को थोड़ा सा हम इनसे अलग करते हैं, एक्चुअल ओनर्स जो होते हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे होते हैं। दोज आर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर होल्डर्स। होप सो क्लियर। सर वैसे तो ओनर दोनों होते हैं ना? हाँ, ओनर दोनों हैं, नो डाउट। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसके बारे में। सपोज हम अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, अपने घर में रह रहे हैं और बाहर से हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी रिलेटिव्स आ जाते हैं, हम उनके भरोसे घर छोड़कर जा सकते हैं, बट वी डोंट गिव एनी स्पेशल राइट टू देम। यानी वो घर में तो रहते हैं, उनको रहने की परमिशन हमने दी है, लेकिन कोई स्पेशल राइट नहीं दिया उनको रिगार्डिंग टू द जो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स हैं उनमें कोई हिस्सा दे दिया हो इस प्रकार का, या मतलब उनको हमने कह दिया कि भाई ये घर के सारे जो चाबी जितना भी सामान है वो सब आपके अंडर में है। हम फिर भी जाते हैं तो अलमारी वगैरह को लॉक करके जाते हैं, बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको बंद करके जाते हैं,
लेडीज रहते हैं, वो घर का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन उस कंडीशन में हम उनको वो सारी बातें नहीं बताते घर के बारे में, या सारी बातें उनसे शेयर नहीं करते जो हम अपने फैमिली मेंबर से शेयर करते हैं, जो हम अपने फादर से मदर से शेयर करते हैं। तो इन द सेम वे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, उनको हम डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं देते, उनको हम एक स्पेशल राइट देते, ये है कि भाई आपका पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेड किया जाएगा, आपको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, लेकिन आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इसके एवज में। और अगर ऐसा आपको करना है तो आप प्रेफरेंशियल राइट्स छोड़ दें और अपने आप को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा दें। तो होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी अदिति, मैं क्या कहना चाहता हूँ रिगार्डिंग टू द वेल्थ मैनेजमेंट। यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में यदि बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम बेसिकली क्या डिसाइड करते हैं, एलोकेशन ऑफ द फंड्स। एलोकेशन यानी पैसे का आप कहां कहां पर एलोकेशन करेंगे, और ऐसा एलोकेशन बेसिकली दो प्रकार से यहां किया जा सकता है, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स में और दूसरा शॉर्ट टर्म एसेट्स में। इसीलिए इन डिसीजंस को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, जिनमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन की स्पेशल मैं बात करूं तो दे आर टू बी बिलोंगिंग टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट। और जहां पर अगर हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, उनको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन के नाम से जानते हैं। सो इन दिस डिसीजन व्हाट वी आर गोइंग टू बी डिसाइडेड, सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। यहां पर हम जो डिसीजन लेते हैं दैट इज टू बी टेकन रिगार्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स, कि किस एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में कि शॉर्ट टर्म एसेट्स में, और उसके लिए हम कितना फंड्स वहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये दो बातें हम यहाँ बेसिकली डिसाइड करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन पर। देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली रिलेट्स करता है एक्विजिशन ऑफ फंड से, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। जब आप करते हैं ना बात कि पैसा कहां से अरेंज होगा, किन सोर्सेस से लेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन। तो यहां पर बेसिकली हम दो सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, एक तो डेट्स के बारे में और दूसरा इक्विटी के बारे में, और इन्हीं का दोनों जो मिक्स होता है दैट इज टू बी टर्म्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी को आप क्या बोल देते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन इस पार्टिकुलर टॉपिक में से हमसे पूछ लिया जाता है, दैट इज टू बी टर्म्ड एज ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो अलग अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं उनसे आप पैसा कैसे अरेंज करते हैं, किस तरीके से उस पैसे को आप अरेंज करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ डिसीजन बेसिकली लेते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन, डीडी। डिविडेंड डिसीजन को हम एलोकेशन डिसीजन भी बोल देते हैं, एप्रोप्रिएशन, सॉरी एप्रोप्रिएशन। आप लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स, तो ये बेसिकली रिलेट करता है हमारा एप्रोप्रिएशन डिसीजन से, जहां पर जो प्रॉफिट होता है ना उसमें से कितना प्रॉफिट आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, कितना प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और कितना प्रॉफिट आप रिटेन्ड करने वाले हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। तो इसमें हम करते क्या है, व्हाट पोर्शन ऑफ अर्निंग विल डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स एज वेल एज कितना पोर्शन आप रिटेन्ड करेंगे, यानी फ्यूचर्स कॉन्टीजेंसीज के लिए सेव करके चलेंगे, जिनको आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। होप सो ये तीनों डिसीजन का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं और कौन कौन से, बेसिकली दो डिसीजन हम इसमें शामिल करके चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सिलेक्शन ऑफ एसेट्स पर हम यहाँ फोकस करते हैं और उसमें फंड्स इन्वेस्ट करेंगे, कितना फंड्स इन्वेस्ट करेंगे इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। तो ये डिसीजन बेसिकली दो प्रकार के हमारे, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात करें तो यहाँ कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से जाने जाते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन के नाम से जाना जाता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन बेसिकली डील्स करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, जहां हम पैसा मशीन, बिल्डिंग या किसी प्रकार के प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करके चलते हैं।
लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी एटसेट्रा हम यहाँ जो है ना बेसिकली परचेज करते हैं, और शॉर्ट टर्म जो डिसीजंस हैं उनमें हम बेसिकली शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। और यहाँ पर बेसिकली तीन बेसिक एसेट्स, करंट एसेट्स को हम टारगेट पे रखते हैं, एक तो कैश मैनेजमेंट, एक इन्वेंट्री या स्टॉक मैनेजमेंट, और तीसरा डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये तीनों डिसीजंस जो हैं ट्रेड, कैश, स्टॉक और डेटर्स जो है, इनके बारे में आप हायर क्लासेस में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, और स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल पोर्शंस आपका वहां आने वाला, वहां आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन के बारे में यदि मैं बात करूं तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ये बेसिकली तीन फैक्टर हैं हमारे जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। जब आप बात करते हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहां मैं आप लोगों को सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, होप सो उससे आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सपोज करिए हमारे पास जो ना एक प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट को मैं एक नाम दे देता हूं, प्रोजेक्ट ए। अब इस प्रोजेक्ट ए में जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एस्टिमेटेड आपका जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जो होगा उसके बारे में मैं आपसे बात करूं, तो वो पार्टिकुलरली क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसकी यील्ड्स जो है ईयरली, जिसमें हमने पैसा लगाया है, तो उससे कुछ हमें यील्ड्स मिलेंगी, यील्ड्स मतलब रिटर्न्स। वो रिटर्न्स मुझे कुछ इस प्रकार से मिलती हैं कि 10 लाख रुपए 4 साल तक, और दूसरा एक प्रोजेक्ट हम रखेंगे साथ में, 10 लाख रुपए हमें यहाँ रिटर्न होते हैं 4 साल तक, 4 साल तक हमें रिटर्न मिलने वाली है। और एक दूसरा प्रोजेक्ट है बी, जिसमें अगर हम बात करें रिटर्न्स की या यील्ड्स की, तो वहां पर आपको 25 लाख अप टू 4 ईयर्स तक रिटर्न्स मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आप लोग जब बात करते हैं कि भाई किस प्रकार के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट ए में या प्रोजेक्ट बी में, तो वहाँ कैश फ्लोज देखे जाते हैं। बेसिकली कैश फ्लोज में दो पार्टिकुलर चीजें चेक की जाती हैं, एक तो इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। अब आउटफ्लो बेसिकली हमारा फिक्स्ड होता है, हम जो पैसा लगाना चाहते हैं ना वो पैसा फिक्स्ड है। सपोज मैं 8 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ किसी बिजनेस में, अब उस 8 लाख रुपए लगाकर मुझे बिजनेस से रिटर्न्स क्या मिलेंगी। प्रोजेक्ट ए में मुझे मिल रहा है 10 लाख रुपीज का इनफ्लो, और प्रोजेक्ट बी में मुझे मिल रहा है सपोज 25 लाख का इनफ्लो, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द प्रोजेक्ट बी, नो डाउट मैं बी प्रोजेक्ट के लिए जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कैश का इनफ्लो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट बी से ज्यादा है, ठीक है, बी में ज्यादा है कंपैरेटिवली टू ए। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट क्या कहता है कि व्हेनेवर अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, इट एक्सपेक्ट सम रेगुलर कैश फ्लोज। वो कोशिश करती है, फ्लो फिक्स पीरियड होता है क्या प्रॉफिट सर? सर फ्लो फिक्स पीरियड के लिए हो सकता है। हां अदिति मैं आपकी बात सुन पा रहा हूं, बताइए। फ्लो फिक्स पीरियड भी होता है क्या? फ्लो फिक्स पीरियड के लिए ही होते हैं बेसिकली। देखिए अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं आपसे, तो वहां थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा फ्लो स्टॉक में, उस कंसेप्ट को मैं यहां मिक्स नहीं करना चाहूंगा। लेकिन फ्लो की जब मैं बात करता हूं, तो या तो मैं बात कर रहा हूं इनफ्लो की और मैं बात कर रहा हूं आउटफ्लो की। और पार्टिकुलरली जब आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, तो पार्टिकुलरली प्रोजेक्ट किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स या 5 ईयर्स, कुछ इस प्रकार से वो प्रोजेक्ट का टाइमिंग होता है। उस टाइमिंग मुझे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, और ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे चेक करना होता है वेदर कि उस प्रोजेक्ट से उस टाइमिंग के दौरान मुझे कितना प्रॉफिट होगा या कितना इनफ्लो मेरे पास आने वाला है। तो यहाँ कैश इनफ्लो के बारे में बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर फ्लो के बारे में मैं यहाँ बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। आज की जो क्लास है उसका 10 मिनट्स हमारे पास रिमेनिंग है, तो मैं एक बार इन दोनों फैक्टर्स को जो है ना आपसे डिस्कस करूंगा, और क्लास को मैं वाइंड अप करूंगा। उसके बाद मैं रीस्टार्ट करूंगा क्लास को, क्योंकि मैंने टाइमिंग 7 to 8 रखा है, तो उस क्लास को फिर फर्दर वहां पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट? देन यू हैव टू रीजॉइन अगेन आफ्टर 10 मिनट, जब क्लास आपकी डिस्कनेक्ट हो जाए। होप सो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आपको क्लियर है सभी को? यस सर। थैंक यू अदिति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न।
अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की, अब यहाँ पर हम सेम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जब डेफिनेटली यील्ड जो है, आउटपुट जो है, वो हमें यहाँ ज्यादा मिल रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न की जब बात की जाती है तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है उनमें रिस्क फैक्टर कितना है और उस रिस्क फैक्टर के आधार पर आपका रिटर्न कितना है। और ये आपको पता ही होगा, जिस भी प्रोजेक्ट में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है वहां पर रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। हायर विल बी द रिस्क, हायर विल बी द प्रॉफिट। तो ऐसे ही अगर इसको भी आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि दो प्रोजेक्ट आपके पास है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। सपोज प्रोजेक्ट ए में जो रिटर्न है आपकी, प्रोजेक्ट ए में जो रिटर्न है वो 10% है, और अगर बात करें प्रोजेक्ट बी की, बी प्रोजेक्ट में आपकी जो रिटर्न है वो 12-15% या मान लीजिए 15% है, तो डेफिनेटली जिसमें आपको रिटर्न ज्यादा होंगी यू विल गो फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। थर्ड वन पॉइंट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपको ड्यूली केयर करना होता है, उनको समझना होता है, उनको उनको जानना होता है। जब भी किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो यू मस्ट नीड टू कैलकुलेट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, रिस्क, कैश इनफ्लोज, रेट ऑफ रिटर्न ना, या भाई इंटरेस्ट रिटर्न जो हम कमाएंगे वो कितने समय में आपको वापस मिल जाएगा, पे बैक पीरियड क्या रहेगा उसका, किस प्रकार की टेक्निक्स को हम वहां अप्लाई करने वाले हैं, ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। दीज आर टू बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्वमेंट। तो इस प्रकार के फैक्टर्स को हम यहाँ देख के चलते हैं जब भी आप किसी पार्टिकुलर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ मैं छोटी सी बात रखूंगा, जब भी आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, सो दे नीड टू बी टेकन केयर वेरी मतलब बहुत ज्यादा हमें इसके बारे में क्या करना होता है, केयर करनी होती है। क्यों? क्योंकि दीज टाइप ऑफ डिसीजन आर इरिवर्सेबल। अगर ये गलती से गलत डिसीजन लिए गए ना, वी कैन नॉट रिवर्स देम विदाउट बियरिंग ए ह्यूज लॉस। एक बड़ा लॉस बियर किए बिना आप इसको जो है ना रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं। आपको लॉस बियर करना ही पड़ेगा यदि आपका डिसीजन गलत हो गया। तो इसलिए लॉन्ग टर्म डिसीजन को लेते हो तो आपको ड्यूली केयर करना होता है, बड़ी सावधानी बरतनी होती है, प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट वन इसमें हमारा है शॉर्ट टर्म, पार्टिकुलरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसमें हम लोग बेसिकली दो चीजें जो है ना बहुत सावधानी से देखते हैं, तो लिक्विडिटी और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। मैं आपको यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, जब आप लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन, वन मार्कर क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है, दैट इज विच डिसीजन अफेक्टिंग द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट। तो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट को यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट टर्म जो डिसीजन है वो अफेक्ट करके चलते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो हमारा डे टू डे डिसीजन जो होते हैं, दोज आर टू बी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अनदर नेम हमने पढ़ा था इसका वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और इसमें हमने बात की थी तीन प्रकार के डिसीजंस की। एक तो कैश मैनेजमेंट के बारे में, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, और एक आपका ट्रेड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के बारे में। इन तीन चीजों को हम यहाँ बहुत सावधानी से एनालाइज करके चलते हैं। विकास जी सर, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व वाला पॉइंट दोबारा बताना प्लीज। श्योर, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म अगर डिसीजन आपको क्लियर हो गया तो मैं एक बार चलता हूँ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्वमेंट पे। जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्वमेंट है, इसके बारे में यदि मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है व्हेन एवर यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन एनी काइंड ऑफ द फिक्स एसेट्स और इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, यू मस्ट हैव टू बी टेकन केयर अबाउट द अमाउंट आउटफ्लो, कितना होगा आपका, कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट होगा, प्रोजेक्ट्स में रिस्क क्या है, प्रोजेक्ट्स में जो है ना रिटर्न्स कितनी आएंगी, वो पैसा कितने समय में आपको पे बैक हो जाएगा, यानी मान लीजिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा रिकवर कितने समय में हो जाएगा, इन सब चीजों के बारे में हम वहाँ बेसिकली सावधानी से सोचते हैं। एक हैंड रेज हुआ है आईफोन के नाम से, प्लीज क्या आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं।
या आप मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ सकूं और आपकी बात का जवाब दे सकूं। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो यू आर टेकिंग द डिसीजन अबाउट योर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, जहां पर बेसिकली हमारी तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आदिति, एक तो कैश मैनेजमेंट, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट, क्योंकि इन तीन चीजों पर हमारा बिजनेस टिका हुआ होता है। कितना कैश आपके पास अवेलेबल है, दैट इज अफेक्टिंग योर लिक्विडिटी पार्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट, दे आर बेसिकली बिलोंगिंग टू योर प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट, कि कितना सामान आप उधार में बेचते हैं या कितनी जल्दी आपका स्टॉक सेल हो जाता है और उससे रिकवरी कितनी जल्दी हो जाती है, आपको कैश कन्वर्जन कितनी जल्दी हो जाता है। तो ये सब बातें हम यहाँ पर बेसिकली देखकर चलते हैं अंडर द शॉर्ट टर्म डिसीजंस। और अगर शॉर्ट टर्म डिसीजन की मैं बात करूं तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात क्या देखने को मिलती है कि भाई इन डिसीजंस के अंतर्गत हम लोग बेसिकली वो सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके चलते हैं जो बिजनेस के रूटीन एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, रूटीन एक्टिविटीज से। होप सो कि ये दोनों डिसीजन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा वो वन मार्कर क्वेश्चन बनेगा रिगार्डिंग टू लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी से, जिनको कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन अफेक्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी कौन से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बेसिकली आपसे तीन नंबर का क्वेश्चन यहाँ रखा जा सकता है, डिफाइन द फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो तीन नंबर के फैक्टर में ये तीन पॉइंट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एज वेल एज अगर चार नंबर का आता है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स को भी आप यहाँ इन्वॉल्व करके चलेंगे। सो होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो डिसीजन है दैट इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में जब बात की जाती है तो देखिए फाइनेंस को अरेंज करने का डिसीजन है। फॉर दैट अरेंजमेंट वी हैव टू लुक आफ्टर द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज के बारे में हमें चेक करना होता है कि कहां कहां से आपको पैसा मिल जाएगा। अदिति जी मैं आपकी बात का जवाब थोड़ी देर में देता हूँ, एक बार इसका मीनिंग क्लियर कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको जो है ना रिस्पॉन्स करता हूँ इसके बारे में। फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में यदि बात की जाए तो डिसीजंस विच आर रिलेटिंग टू द फाइनेंस, जो कि भाई फाइनेंस, फाइनेंशियल डिसीजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। फाइनेंसिंग डिसीजन जिसमें हम बात करते हैं टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट के बारे में, कितना पैसा आपको चाहिए और वो फंड आपको किन किन सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस से अवेलेबल होने वाला है, जिनमें रिक्वायर्ड फंड के लिए जो अलग अलग सोर्सेज हैं आपके पास वो कौन कौन से हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन एंड अदर्स, राइट। ये सब बातें हम यहाँ पर देखते हैं सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में। चलिए हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। फाइनेंसिंग डिसीजन जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन का। देखिए इनमें डिफरेंस करके चलिएगा आप लोग, एक वर्ड है फाइनेंशियल डिसीजन, दूसरा वर्ड है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन कंटेनिंग थ्री डिसीजन, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट एंड योर थर्ड वन डिसीजन रिगार्डिंग टू द फाइनेंसिंग डिसीजन। जबकि हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं तो अंडर दिस डिसीजन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओनली वन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन, वेयर वी हैव टू बी लुक ओवर कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं, जहां से आपको टोटल फंड जो रिक्वायर्ड है उसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो उनके बारे में हमने यह बात कर ली थी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन और अदर्स, ये हमारे कुछ सोर्स ऑफ फंड्स हैं जिनसे हम पैसा अरेंज कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पार्टिकुलरली फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, राइट, फाइनेंसिंग डिसीजन को प्रभावित करते हैं, जिनसे फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे अफेक्टेड होते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट
कॉस्ट जो है ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब आप बात करते हैं कॉस्ट की, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन जो लेने होते हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। और बेसिकली हम इसमें बात किसके बारे में करते हैं, डेट्स प्लस इक्विटीज के बारे में। मैक्सिमम केसेस में हम ये दो बातें लेकर चलते हैं। तो डेट्स और इक्विटीज का जब आप यूटिलाइजेशन करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जो उधार का पैसा है, बोरोड फंड है, वो आपको कम से कम लागत पर मिले। और जितनी कम लागत पर आपको ये मिलेगा उतना ज्यादा आप इसको यूटिलाइज करना पसंद करेंगे, उतना ज्यादा इसको यूटिलाइजेशन में लाना पसंद करेंगे। और इक्विटी क्योंकि इसके ऊपर हमें जो अमाउंट पेड करनी होती है वो कोई फिक्स अमाउंट तो नहीं होती है, प्रॉफिट होने पर ही हम इसको जो है बेसिकली जो रिटर्न्स करते हैं वो देनी होती है, उससे पहले इनको कोई रिटर्न हम नहीं देते हैं। तो इसके जो कॉस्ट है उसको अगर हम ना भी देखें एक बार तो हम मेजरली कॉस्ट किसके बारे में बात करते हैं, बोरोड फंड के बारे में। सो जो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड है थ्रू द डेट और द इक्विटी दैट इज बेसिकली डिफरेंट। नॉर्मली एक फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है वो चीपेस्ट सोर्स को पसंद करता है, और चीपेस्ट सोर्स के बारे में भी बात की जाए तो आपके डेट विल बी कॉल्ड एज द चीपेस्ट सोर्स, क्योंकि इनको फिक्स्ड अमाउंट पेड करनी होती है, उसके बाद हमें इसको कुछ नहीं देना होता। तो यहाँ जनरली हम बात करते हैं तो डेट्स फंड के बारे में बात करते हैं जिनकी फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है ना वो कंपैरेटिवली टू जो इक्विटीज की फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उससे कम आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मेरा मतलब क्या है आप लोगों से कि भाई जो पार्टिकुलरली इशू करने की लागत है या रेज करने की लागत है, फ्रॉम वेयर विच सोर्सेज यू विल अरेंज द फंड्स डेट्स और इक्विटीज, उन सोर्सेज जो पैसा आएगा तो उसको अरेंज करने में क्या अमाउंट, क्या लागत आपकी आएगी, क्या पैसा आपको पेड करना पड़ेगा उनको अरेंज करने के लिए। तो उस कंडीशन में डेट को अरेंज करने में हमें कम अमाउंट पेड करनी पड़ती है कंपैरेटिवली टू इक्विटीज। इक्विटीज में ये ज्यादा रहता है पैसा हमारा, ज्यादा हमें अमाउंट पेड करनी पड़ती है, तो वहां पर हम डेट्स को प्रेफरेंस देते हैं। एक क्वेश्चन आया है, एक बार जरा देख लेते हैं। ओके, देखिए दोनों के दोनों के बारे में यदि आप बात करेंगे ना फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में, तो यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट का बेसिक मतलब क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा उससे आपको क्लियर होगा। जनरली इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड डायरेक्टली फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना, उनको इशू करने के लिए आपको कोई ना कोई पार्टिकुलरली प्रोस्पेक्टस निकालना होता है, कोई ना कोई आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है, किसी प्रकार का पार्टिकुलरली आपको जो ना प्रिंटिंग वर्क करवाना होता है, तो वहां पर आपके सारे खर्चे इक्विटी से बिलोंग करते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट मान जाती है। यहाँ पर मैं डेट्स की बात करूं तो डेट्स में तो बहुत प्रकार का उधार पैसा होता है ना आपके पास, कि आप डायरेक्टली बैंक से पैसा ले लें, ठीक है, बैंक से आप पैसा ले लें, तो बैंक से जो पैसा आप लेंगे तो उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज आपको पूरी नहीं करनी होती, डायरेक्टली बैंक विदाउट पेपर्स भी आपको पैसा प्रोवाइड कर देता है। पब्लिक से पैसा ले लें, पब्लिक से जब आप उधार में पैसा लेते हैं बिजनेस के लिए तो भी आपको किसी प्रकार की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी होती, ज्यादा फॉर्मेलिटीज मतलब पूरी नहीं करनी होती, तो वहां पर भी इजिली आपको फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स भी बेसिकली इशू करने के लिए आपको एक प्रकार से प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता पैसा, है ना, क्योंकि ये उधार का पैसा आप लोगों से ले रहे हो, इस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, से 10% या 20% जो भी आप पेड करना चाहते हैं, तो वो एक हैंडसम अमाउंट होता है उन व्यक्तियों के लिए जो उधार में पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे पैसा इजिली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, इजिली हम उनसे अरेंज कर पाते हैं। इसलिए इनके ऊपर जो पैसा हम लगाते हैं ना, इनको अरेंज करने के लिए जो हमें प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं वो इजी प्रोसेस है, तो ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता डेट्स फंड को अरेंज करने के लिए इन कंपैरेटिव टू इक्विटी फंड्स को। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है डेट्स फंड की वो कम होती है और इक्विटी फंड से। तो होप सो ये क्लियर होगा आपको जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क। देखिए रिस्क सेकंड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका जो कि आपकी फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। कैसे ये हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है, मैं यहाँ पर अगर आपसे बात करूँ तो बेसिकली बिजनेस में दो प्रकार के रिस्क के बारे में हम जनरली बात करते हैं, और आपसे इन दोनों प्रकार के रिस्क का मीनिंग भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो पॉइंट होता है आपका ऑपरेटिंग रिस्क,
जिसको आप बिजनेस रिस्क के नाम से भी जानते हैं, लाइक ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क के नाम से भी आप इसे जानते हैं। दूसरा होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क दैट इज अराइज्ड ड्यू टू यूज ऑफ द डेट कंपोनेंट, उधार या बोरोड फंड जो होता है ना उसका पैसा यूज करने की वजह से हमारा फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने उधार का पैसा यूटिलाइज नहीं किया है देर इज नो फाइनेंशियल रिस्क, नो फाइनेंशियल रिस्क। अगर आप उधार का पैसा यूटिलाइजेशन में लेकर आ रहे हैं देन ओनली देर विल बी फाइनेंशियल रिस्क एग्जिस्ट। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली इनकैपेबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट बीयरिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कॉस्ट बीयरिंग कैपिटल होती है उसके ऊपर जो हमारी इनकैपेबिलिटी होती है उसको इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट जो उसके ऊपर पेड करनी होती है, उसको जब आप पेड करने की कैपेबिलिटी में नहीं रहते ना तो उसको आप फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। और ऑपरेटिंग रिस्क इज बेसिकली बिलोंगिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट करता है। तो इन दोनों रिस्क के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी बिजनेस में दो रिस्क जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन लेने में। सबसे पहले दिन मैं बात करता हूँ आपसे फाइनेंशियल रिस्क के बारे में। तो फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली क्या होता है, जो फिक्स फाइनेंशियल चार्ज होता है ना, यदि कंपनी इसको पेड करने में फेल हो जाए तो फाइनेंशियल रिस्क क्या लाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेफरेंशियल डिविडेंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फिक्स फाइनेंशियल रिस्क। जबकि जो ऑपरेटिंग रिस्क होता है वो डिपेंड किस पे करता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर। अब बिजनेस के अंदर मान लीजिए आपने मशीनरीज इंस्टॉल कर दी, ऑफिस अच्छा परचेज कर लिया, बड़ा डेकोरेटेड जो है ना ऑफिस आपने बना रखा है, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं है। बिजनेस में क्या नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, हम प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे हैं। तो इनकैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स और द पॉसिबिलिटी ऑफ बेयरिंग द लॉसेस इन द बिजनेस इज बेसिकली रिलेटिंग टू योर बिजनेस रिस्क। ये आपने प्लस वन में भी पढ़ा होगा बिजनेस रिस्क क्या होता है, वहां पर हमने इसके बारे में यही बात डिस्कस की थी कि जो इनकैपेबिलिटी होती है या पॉसिबिलिटीज होती है या अनसर्टेनिटीज जो होती हैं रिगार्डिंग टू द प्रॉफिट्स दैट इज टू बी कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है इनकैपेबिलिटी और फेलियर ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ योर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो इन दोनों का इम्पैक्ट हमारा फाइनेंशियल डिसीजन पर पड़ता है। यदि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, यदि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इक्विटीज फंड यूज करने चाहिए। अगर आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम है तो उस कंडीशन में आप जो है डेट्स कंपोनेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बीच में अदिति ने क्वेश्चन रखा है, डिविडेंड कैसे हो सकता है फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि ये तो शेयर होल्डर फंड होता है यानी इक्विटी। अदिति मैंने बात की प्रेफरेंशियल डिविडेंड की, नॉट अबाउट द ओनली डिविडेंड पार्ट। जब मैं बात करता हूँ ना प्रेफरेंस डिविडेंड की तो ध्यान रखिएगा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं ना दे ऑल्सो बेरिंग अ फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड डिविडेंड रेट दैट इज सपोज 10% प्रेफरेंस शेयर। तो ये 10% प्रेफरेंस शेयर क्या है, हमारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमें पेड करनी ही पड़ेगी क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को ये राइट होता है दे विल गेट द फिक्स्ड रेट डिविडेंड। और ऐसे शेयर होल्डर को हम बेसिकली जो बोलते हैं उनको बोलते हैं क्या, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिनको यदि किसी साल डिविडेंड नहीं मिलता तो पहले उनको पिछले साल का डिविडेंड पेड किया जाएगा प्रॉफिट में से, फिर उनको करंट ईयर का डिविडेंड पेड किया जाता है। इसीलिए इसको हमने किस में डाला है, फिक्स्ड कॉस्ट बीयरिंग कैपिटल के अंदर। हालांकि ये बोरोड फंड नहीं है हमारा, लेकिन क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट को बियर करके चलता है, जबकि इक्विटी पर कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रकार का, हाँ किसी प्रकार का जो है अमाउंट पेड करें। ये चार्ज होता है डेफिनेटली, इसको हम चार्ज बोलते हैं, लेकिन चार्ज इन द कंडीशन ऑफ ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉट इन द केस ऑफ अनदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट। तो इसीलिए हम इसको फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग डालते हैं, ये फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल होती है हमारी बेसिकली। होप सो कि कॉस्ट एंड रिस्क दोनों फैक्टर आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। यस सर, फ्लोटेशन कॉस्ट जो है हमारा, फ्लोटेशन कॉस्ट वो हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया, बेसिकली होता क्या है, दैट इज बेसिकली कॉस्ट व्हिच इज टू बी इन्वॉल्व व्हिच हैविंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेजिंग द रिसोर्सेज। जो हम पैसा अरेंज करते हैं, रिसोर्स जो सोर्स ऑफ फाइनेंस हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके अरेंज करने में जो भी आपका पैसा खर्च होता है, जो भी आपकी लागत आती है, दैट इज टू बी नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट।
उसे आप किस नाम से बुलाते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से बुलाते हैं, वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होगी उतना ही कम वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होगा अट्रैक्टिव माना जाता है। यानी कि इसके बारे में छोटी सी बात मैं लिखूंगा, एज मच एज फ्लोटेशन कॉस्ट इज हायर यू विल लेस और देयर विल बी द डिक्रीज इन द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट सोर्स ऑफ फंड। वो अट्रैक्टिव कम होगा, अट्रैक्टिवनेस उसकी घट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विटीज पर हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होता है तो कंपैरेटिवली हम डेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और यदि डेट्स को अरेंज करने पर हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उस कंडीशन में हम किसी अनदर सोर्स ऑफ फंड को फोकस करने की कोशिश करते हैं, अरेंज करने की कोशिश करते हैं। होप सो फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कैश फ्लो पोजिशन। जो कैश फ्लो पोजिशन है दैट इज सिमिलर टू एज जो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बात की थी, लेकिन यहां पर इसको हम रिलेट करेंगे किससे? फाइनेंसिंग डिसीजन से। अब अगर मान लीजिए कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो यहां बेसिकली हम बात कर रहे हैं इनफ्लोज के बारे में, कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट आप लोग कमा रहे हैं, कितना पैसा आपके पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, कितना इनफ्लो हो रहा है। तो जितना ज्यादा इनफ्लो होगा, जितना ज्यादा पैसा आएगा, उतना आपके लिए ये एक अच्छा माना जाएगा, उतनी आपकी फाइनेंशियल पोजिशन स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। बेसिकली जब भी किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की या किसी फर्म की बिजनेस की जो इनफ्लो पोजिशन स्ट्रॉन्ग होती है तो उस कंडीशन में जनरली आप जो प्रेफरेंस रखते हैं फंड का यूटिलाइजेशन करने में तो वो आप डेट्स फंड को प्रेफरेंस देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इजिली उसके ऊपर फिक्स कॉस्ट को पेमेंट करने की कैपेबिलिटी में है, इजिली आप उसके ऊपर जो है कॉस्ट पेड कर सकते हैं। लेकिन कैश फ्लो पोजिशन को जब भी आप लोगों को चेक करना है तो उसमें हमें जरूर देख लेना है कि भाई डेट्स कंपोनेंट की जो कॉस्ट है वो इक्विटी से ज्यादा है या कम है। अगर डेट्स कंपोनेंट की कॉस्ट इक्विटी से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आप डेट्स को छोड़कर इक्विटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। तो कैश फ्लो पोजिशन कैसे अफेक्ट करती है? अगर हायर कैश फ्लो पोजिशन है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजिशन है किसी बिजनेस की, तो यू विल यूटिलाइज हायर द डेट्स फंड इन द वे ऑफ कि उसके ऊपर हमें लेस पेमेंट करनी होती है, और एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कोई पेमेंट हमें नहीं करनी होती। जैसे कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर पर डिविडेंड देने के बाद जो बच जाते हैं प्रॉफिट, उनमें भी उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, उनमें भी उनको बचे हुए रेजिडुअल प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। ऐसा अधिकार हम बोरोवर्स को नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखिए ये हमारे रिस्क का पार्ट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर जब आप बात करते हैं ना फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में, तो सिंपल सी बात ये रखी जाती है कि जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उतना ज्यादा आपको जो डेट्स कंपोनेंट है उसको यूज करने में प्रॉब्लम आएगी। लाइक यहाँ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से क्या मतलब है आप लोगों का, अगर बात की जाए तो किसी भी बिजनेस में जो भी आपकी ऑफिस रेंट है या किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है या इन्वेस्टमेंट इन द पार्टिकुलर मशीनरीज है या सैलरीज पेमेंट है एम्प्लॉयज की, क्योंकि ये क्या है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की, लाभ हो या ना हो, प्रॉफिट्स हो या ना हो, यू हैव टू मेक द पेमेंट, आपको इनकी पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो ये जितनी ज्यादा होंगी उतना आप कम डेट को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि वो भी हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। तो उस कंडीशन में आपको चाहिए कि आप इक्विटी फंड का यूटिलाइजेशन करें। तो ये जो लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है दैट अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन इन द टर्म्स ऑफ कि हायर द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल attracting less of the debt funds or the vice versa, right? Next point हमारा क्या है? That is ready to your अच्छा इसमें ये दो पॉइंट हमारे थे, एक तो fixed operating income और एक fixed financial cost। ये दोनों पार्ट हमारे level of operating cost के हैं, इनमें ही हम इनको शामिल करेंगे। जो fixed operating income है वो अगर हमारी ज्यादा है fixed operating income तो उस कंडीशन में आप डेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड यदि आपको इनकम हो रही है कहीं से तो आप इजीली डेट कंपोनेंट को पेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेट कंपोनेंट को पेड कर सकते हैं। और यदि आपका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है तो वहां पर आप लेस डेट कंपोनेंट को यूटिलाइज करेंगे, कम से कम उस पैसे का बेसिकली आप क्या करेंगे यूटिलाइजेशन करना पसंद करेंगे और आप वहां इक्विटी को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रोल कंसिडरेशन। अब ये कंट्रोल कंसिडरेशन क्या है? देखिए आपको स्पष्ट पता है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है
कि जो डेट्स होते हैं और जो इक्विटीज होते हैं बेसिकली, उनमें इक्विटीज शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, दे हैविंग द वोटिंग राइट, उनको वोटिंग राइट होता है, एंड ऑल्सो दे आर हैविंग द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. इस वोटिंग राइट की वजह से ही वो मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जबकि डेट्स कंपोनेंट्स को ऐसा कोई राइट हम नहीं देते हैं. तो यदि आप चाहते हैं कि कंट्रोल हमारा इक्विटीज का ही बना रहे, तो उस कंडीशन में आप उधार के पैसे को प्रेफर करते हैं. यदि आप चाहते हैं कि कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए डिफरेंट डिफरेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में, तो आप वहां इक्विटीज के फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं. तो कंट्रोल कंसिडरेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल द, टू मेक द कंट्रोल कंसिडरेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो जब भी आपको लगता है कि भाई मैनेजमेंट कंट्रोल कम हो रहा है, तो आप करते क्या है, आप डेट्स फाइनेंसिंग को जो है ना इंक्रीज कर देते हैं इन कंपैरेटिव टू इक्विटी फाइनेंसिंग, वहां डेट्स कंपोनेंट को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट की पोजिशन क्या है, मैंने मार्केट के अंदर जो कैपिटल मार्केट आपकी होती है बेसिकली, उसका क्या रोल है, वो किस तरीके की है. अगर मैं यहाँ बात करूं आपसे स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में, तो देखिए उन ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर जो बड़े ही रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही मतलब जिनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होती है, तो वहां पर वो इजिली पैसा मार्केट से अरेंज कर सकते हैं, उधार के पैसे को इजिली उनको पैसा अवेलेबल हो जाता है. लेकिन जिनकी रेपुटेशन कमजोर होती है मार्केट के अंदर, तो उनको वहां उधार का पैसा मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. लेकिन यहाँ पर जो सोर्स ऑफ फंड है वो कैपिटल मार्केट की पोजीशन से कैसे अफेक्ट होते हैं, तो यहाँ दो बातें आपको देखनी होती है, कैपिटल बुलिश फेज की है, बुलिश फेज की है, या बेरिश फेज की है. देखिए आपको पता है कि दो पार्टिकुलर टर्म है हमारी किसी भी कैपिटल मार्केट की, जो शेयर मार्केट होती है उसके अंदर हम इन दो टर्म्स को बेसिकली डिस्कस करते हैं. एक क्वेश्चन है सर, कैपिटल मार्केट एक्सप्लेन कर दीजिए. अदिति, कैपिटल मार्केट का मतलब होता है दैट मार्केट, कैपिटल मार्केट मींस दैट मार्केट वेयर यू आर ट्रेडिंग द फाइनेंशियल एसेट्स. बेसिकली किस प्रकार के एसेट्स का ट्रेड करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, जिनमें आप इक्विटीज, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो वो कैपिटल मार्केट की कंडीशन कैसी है, यदि वो कैपिटल मार्केट की कंडीशन आपकी, वो कैपिटल मार्केट की कंडीशन आपकी बुलिश फेज की है या बेरिश फेज की है, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको मार्केट से पैसा कितनी जल्दी या कितना इजीली मिल जाएगा. थोड़ा सा मैं बात करूंगा बुलिश और बेरिश फेज पर. देखिए बुल का मतलब बेसिकली क्या होता है, बैल, राइट. आपको जो है ना इसका मीनिंग पता है, इसका मतलब होता है बैल, आपने देखा भी होगा बैल को, ऐसी बात नहीं है. बियर का मतलब होता है भालू, है ना, जिसको आप रीच बोल देते हैं, भालू. वैसे तो ये जो है दो अलग अलग एनिमल्स हैं, लेकिन इन दोनों एनिमल्स की खूबी, एक खासियत क्या है कि जो बुलिस होता है ना, बैल जो होता है, वो मतलब तेजी की मार्केट होती है. उसमें जो बैल होता है ना, उसके जो सींग होते हैं, वो जनरली किसी भी को विधि व्यक्ति को मारना चाहे ना, तो सींगों से उठाकर मारता है उसको. और जो बियर होता है, भालू होता है ना, आपको पता है वो आदमी को जमीन पर लेटाकर उसकी जान निकालता है, उसको मारने की कोशिश करता है. तो जो कैपिटल मार्केट कंडीशन होती है ना, वो ऐसी मार्केट कंडीशन है जहां पर यदि अगर बेरिश फेज है, तो इसका मतलब मार्केट में बहुत तेजी है, मतलब बहुत तेजी के साथ जो है ना, हम इजिली वहां से जो है पैसा अरेंज कर सकते हैं थ्रू द डेट्स कंपोनेंट. अगर मार्केट में मंदी है, मार्केट में क्या है, मंदी है, तो वहां पर आप लोग बेसिकली जो पैसा अरेंज करते हैं वो ना किससे अरेंज करने की कोशिश करते हैं, इक्विटीज फंड से. थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने यहाँ गलत कर दिया, मैं दोबारा से रिवर्स करता हूँ. बुलिश और बेरिश फेज जो होते हैं ना, वो बेसिकली डेट और इक्विटी फंड को सिलेक्ट करने में मदद करते हैं. सबसे पहले यदि बात करें कि बेरिश मार्केट की, तो वहां पर बुलिश मार्केट की, तो वहां पर हम इक्विटीज फंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां तेजी की मार्केट है, लोग ज्यादा पैसा इक्विटीज में लगाना पसंद करते हैं, वहां पर वो रिस्क बियर कर सकते हैं. जबकि बेरिश मार्केट में लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते, ठीक है, वहां पर वो डेट्स कंपोनेंट में पैसा लगाना चाहेंगे, क्योंकि वहां उनको फिक्स रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो जो बुलिश मार्केट होती है वहां पर इक्विटीज को प्रेफरेंस करते हैं, जब बेरिश मार्केट होती है वहां हम डेट्स कंपोनेंट को प्रेफर करते हैं, राइट. और बेसिकली जो डेट कंपोनेंट होता है वो एक लेस रिस्की कंपोनेंट होता है एक इन्वेस्टर के लिए, इसलिए वो बेरिश मार्केट में उस पैसे को
यूटिलाइज करना, उस पैसे में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका डिविडेंड डिसीजन। इससे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो होप सो कि जो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। इनमें दो चार डिसीजन हमारे, दो चार फैक्टर्स हमारे और भी हैं जिनके बारे में यदि मैं बात करूं तो जैसे आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक ना सेबी जो है ना वो रेगुलेशंस रखती है कंपनीज के ऊपर कि भाई यदि कोई कंपनी 100% मान लो अपने डेट्स कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन कर चुकी है तो बताती है कि भाई इस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा। वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल देती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस जिनको हम बोलते हैं, इस प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस डाल देती हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट कर देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई कंपनी शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा अरेंज करना चाहती है ना, बियॉन्ड इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल, जो उसकी मैक्सिमम कैपिटल है उससे ज्यादा पैसा आप वो अरेंज करना चाहती है तो, लेकिन हमारे पास हमने पढ़ रखा है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो क्या कंडीशन अप्लाई करता है कि एक कंपनी अपने पूरे जीवन काल में जितनी भी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, जितनी भी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उससे ज्यादा के शेयर वो इशू नहीं कर सकती, ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा के शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती। और अगर उसने सारे शेयर पहले ही इशू कर दिए हैं तो वो और पैसा इक्विटीज से अरेंज या प्रेफरेंस शेयर से अरेंज नहीं कर सकती। ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बाय द सेबी ऑन द कंपनीज। इन द सेम मैनर यदि कोई व्यक्ति 100% डेट कैपेसिटी को यूज कर चुका है तो उसको भी मार्केट से ज्यादा उधार का पैसा मिलने वाला नहीं है तो वो इस फंड को यूटिलाइजेशन उस कंडीशन में नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ऑप्शन यदि क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। उससे पहले क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स पर है, जरा चेक कर लेते हैं। लक्ष्य गोयल का जो है मैसेज है, चलिए उसको थोड़ा सा, लक्ष्य गोयल आपके क्वेश्चन को थोड़ा बाद में डिस्कशन करते हैं। और बेसिकली होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, अगर कोई पॉइंट में डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क। हाँ श्योर अदिति, मैं इसके नोट सेंड कर दूंगा। लक्ष्य मैं आपकी बात को यहाँ पढ़ पा रहा हूँ कि कुछ सर गलत कर दिया, एक बार प्लीज आप बोलकर बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसको हमने इस तरीके से डिस्कस किया है। चलिए यदि आपको क्लियर है तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट डिसीजन है हमारा दैट इज रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन ये लास्ट डिसीजन हमारा रहेगा और इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। इट डिटरमाइंस व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड व्हाट परसेंटेज शुड बी रिटेन्ड टू मीट द फ्यूचर नीड्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनके बारे में हम ये दो ही तो बातें रखते हैं, कितना पैसा बांटेंगे और कितना पैसा अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर नीड्स के लिए बचाएंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है, बोथ combination of both the factors in the dividend decision will be equal to your 100%। तो यहाँ पर कई बार वन मार्कर क्वेश्चन आपसे यहाँ रख लिया जाता है कि यदि आपके पास रिटेंशन रेशियो, यदि आपके पास रिटेंशन रेशियो वो 30% है तो बताइए कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा। तो क्योंकि टोटल 100 होता है तो डेफिनेटली दैट विल बी इक्वल टू 70%। होप सो ये आपको बात क्लियर होगी। इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड फॉर द फ्यूचर नीड्स। तो दोनों का मिक्सअप कितना होता है, 100% होता है। एक यदि आपके पास 30% है तो दूसरा 70% होगा। यदि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो यदि आपके पास मान लीजिए 80% है तो डेफिनेटली आपका रिटेंशन रेशियो कितना होगा, 20% होगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे यहाँ रखा जा सकता है रिगार्डिंग टू दिस वन वन मार्कर में। आइए चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस पर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करके चलते हैं,
तो पहला फैक्टर यदि हम बात करें वो है अर्निंग, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, नेक्स्ट वन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, नेक्स्ट वन स्टॉक मार्केट रिएक्शंस, नेक्स्ट वन शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लीगल कंसंट्रेंट्स, कैश फ्लो पोजिशन। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 10 फैक्टर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग टू द डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, इसको आप लोग बेसिकली डिविडेंड डिसीजन को क्या बोल देते हैं, ए रेजिडुअल डिसीजन अप्रोच, कि भाई कितना पैसा आप बचाते हैं कितना पैसा आप बांटते हैं, इसको इस नाम से भी आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं, या अप्रोप्रिएशंस या रिटेन अर्निंग्स क्या रखते हैं, जो प्रॉफिट आप रिटेन करते हैं ना उसको रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है, अर्निंग्स का। देखिए अगर बात करें अर्निंग्स के बारे में तो अर्निंग क्या होती है, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितनी आपको अर्निंग्स हो रही हैं, और जो रेगुलर अर्निंग्स है ना दैट शुड बी देयर, क्योंकि आप यहाँ पर यदि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, डिविडेंड को पेड करने की बात करते हैं, पे आउट करने की बात करते हैं, तो वो केवल तभी किया जा सकता है जब आप अच्छी अर्निंग्स कमा रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट्स आप लोग कमा रहे हैं, राइट, प्रॉफिट्स अच्छा कमा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं सिंपल ये कहना चाहूंगा कि जो डिविडेंड्स हैं जनरली दे आर टू बी पेड आउट ऑफ द आइदर ऑफ द करंट और द पास्ट अर्निंग्स, और अर्निंग्स जो है मेजर एक डिटर्मिनेंट होता है किसी भी डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने के लिए। जनरली मैनेजर्स जो है ना वो डिसीजंस लेते हैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग और उनके अवेलेबिलिटी ऑफ द अर्निंग्स के अकॉर्डिंग। यदि उनकी फाइनेंशियल नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो पैसे को रिटेन कर लेते हैं, यदि उनको लगता है कि फाइनेंशियल नीड्स उनकी इतनी नहीं है और अर्निंग्स बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छी अर्निंग्स कमा रहे हैं, तो वो डिविडेंड को बांटने का डिसीजन बेसिकली वहां पर लेते हैं, राइट। डिविडेंड को क्या करने का डिसीजन लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू योर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, यानी अर्निंग अच्छी तो होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, स्थिरता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी साल तो बहुत अच्छे प्रॉफिट हो गए और किसी साल आपको अच्छे प्रॉफिट हुए ही नहीं। तो यहाँ होना क्या चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए और हायर होने चाहिए। अगर आपकी अर्निंग्स हायर भी हैं और स्टेबल भी हैं तो यू कैन टेक बोथ टाइप ऑफ डिसीजंस, दोनों प्रकार की बातें आप याद रख सकते हैं, डिविडेंड को बांट भी सकते हैं और रिटेन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलरली क्वेश्चन आ जाए इसके बारे में तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि भाई अगर हायर और स्टेबल अर्निंग्स हैं तो कंपनी क्या डिसीजन लेगी, तो डेफिनेटली कंपनी विल मेक द हायर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर, और अगर लोअर और अनस्टेबल अर्निंग्स है तो वहां पर डिविडेंड को कम बांटने की, एट लोअर रेट बांटेगी तो सही, पेमेंट तो करेगी लेकिन एट द लोअर रेट देने की कोशिश रखेगी, लोअर रेट्स पर उसको बांटने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब यदि कंपनी चाहती है कि डिविडेंड को स्टेबल रखा जाए तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। जनरली बहुत सारी कंपनियां कोशिश करती हैं कि जो शेयर होल्डर्स हो ना उनको एक फिक्स रेट से, स्टेबल रेट से डिविडेंड मिलता रहे, और वो जो फिक्स रेट होती है उस रेट को हम बोल देते हैं स्टडी रेट, एक फिक्स रेट, स्टडी रेट एक ऐसी रेट जो कि एक कॉन्स्टेंट रेट हो जिस रेट पर हम उन्हें डिविडेंड बेसिकली हर साल पेड करें। मतलब ऐसा ना हो कि किसी साल उनको 10% डिविडेंड दे दें, किसी साल उनको 7% डिविडेंड दे ड्यू टू द लेस अर्निंग्स, किसी साल उनको 12% डिविडेंड दे दें ड्यू टू द हायर अर्निंग, ना उनको हम एक फिक्स रेट पेड करने के लिए कोशिश करते हैं कि फिक्स रेट दी जाए। हालांकि फिक्स रेट कोई होती नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर पर, लेकिन कोशिश करती है कंपनी की उनका डिविडेंड रेट स्टेबल रहे। तो ऐसा स्टेबिलिटी का जो पॉइंट होता है ना बेसिकली कंपनी वो कैसे कर सकती है कि भाई डिविडेंड पर शेयर को जो है ना वो अल्टर्ड नहीं करती, बेसिकली डिविडेंड पर शेयर को वो क्या नहीं करती, अल्टर्ड नहीं करती, उसकी जगह पर वो अर्निंग्स के अकॉर्डिंगली टेम्परेली जो है ना डिविडेंड को अल्टर्ड कर देती है। भाई कम डिविडेंड पर, या सपोज करो मान लो किसी के पास 100 शेयर है तो 100 शेयर्स पर शेयर डिविडेंड को अल्टर्ड नहीं करने की कोशिश करती, एक फिक्स परसेंटेज कर देती है। मान लीजिए मैं इसको एग्जांपल से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए कंपनी के पास 100 करोड़ का, यानी 100 लाख का, थोड़ा बड़ा अमाउंट ले लिया, मान लीजिए 100 रुपीज का ले लेता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगी, मैं अकाउंट पढ़ाता तो हूँ लेकिन मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए कंपनी ने फिक्स कर लिया कि हम 10% डिविडेंड देंगे हर साल इक्विटी शेयर होल्डर को, तो वो चाहे 100 रुपये कमाए, चाहे वो 1000 रुपये कमाए, चाहे वो 10,000 रुपये कमाए,
चाहे वो 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, डिविडेंड को स्टेबल कर दिया, डिविडेंड रेट को स्टेबल कर दिया कि भाई डिविडेंड हम 10% के रेट से इक्विटी शेयर होल्डर को हर हालत में पेड करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर बिजनेस को लगता है ना कि उसके सामने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो बेसिकली बिजनेस फर्म्स जो है डिविडेंड को बांटने की बजाय प्रॉफिट को रिटेन करना ज्यादा पसंद करती हैं, फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसे को सेव करना ज्यादा पसंद करती है, वहां कम डिविडेंड को पेड करना चाहती है, कम डिविडेंड को पेड करने की कोशिश करती है। अगर कंपनीज नॉन ग्रोथ कंपनीज हैं, जहां पर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है या ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, तो वहां पर बेसिकली गुड मॉर्निंग सर भी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वेरी गुड इवनिंग टू यू डियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट कंडीशन की, तो ये बेसिकली हम बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। जनरली यदि डिविडेंड अगर आप अच्छा देते हैं ना, स्टॉक मार्केट रिएक्शंस जो हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं, यदि आप अच्छा डिविडेंड रेगुलर डिविडेंड पेड आउट करते हैं, डिविडेंड की पेमेंट आप रेगुलर पेमेंट करते हैं, तो उससे आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जनरली वो पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर आपकी कंपनी में, या जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा लगाने की कोशिश करते हैं फॉर द रेगुलर डिविडेंड। और अगर आप डिविडेंड रेगुलर पेड नहीं करते हैं, तो दैट विल हैविंग द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि वहां पर फिर लोग पैसा इन्वेस्ट डिविडेंड की बजाय, सॉरी इक्विटी शेयर्स की बजाय किसमें लगाना पसंद करेंगे, डेट कंपोनेंट्स में। तो वहां पर हम लोग डिविडेंड फैक्टर को यदि हम देखना चाहते हैं कि अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा स्टॉक मार्केट रिएक्शंस पर, कम डिविडेंड दे रहे हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब शेयर होल्डर्स की भी भाई बात होती है, क्योंकि आखिरकार वो ओनर्स हैं, उनकी क्या प्रेफरेंस है, वो डिविडेंड चाहते हैं या पैसे को रीइन्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि वो रीइन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिविडेंड हम कम दे सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं देंगे, पैसे सारे के सारे पैसे को रीइन्वेस्ट कर देंगे। और वो चाहते हैं कि डिविडेंड रेगुलर मिलता रहे, तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी पेड कर सकती है, तो वहां डिविडेंड को बांटने का डिसीजन कंपनी ले सकती है। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर हम बात करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में, तो टैक्सेशन पॉलिसी भी हमारे जो ना डिसीजन को अफेक्ट करती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आपका जो टैक्स रेट हायर होती है ना, टैक्स जो ना बेसिकली, एक तो डिविडेंड पर तो बेसिकली आपको टैक्स पेड करना ही नहीं होता, पहली बात तो आप पेड किस पे करते हैं, प्रॉफिट्स पर टैक्स पेड करते हैं। तो जितना टैक्स रेट हायर होगा उतना आप डिविडेंड जो ना डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं चॉइस बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स की। टू द सम एक्सटेंट जो है ना, ये टैक्स जो फैक्टर होता है उससे भी अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है, इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, जो डिविडेंड टैक्स होता है ना, वैसे नॉर्मली प्रॉफिट पर हम टैक्स पेड करते हैं, डिविडेंड पर टैक्स कौन पेड करता है, शेयर होल्डर्स पेड करते हैं। तो शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो उनकी पर्सनल इनकम हो जाती है, और पर्सनल इनकम पर उनको टैक्स पेड करना पड़ता है, जो डिविडेंड टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो उस कंडीशन में अगर वो टैक्स जो है, टैक्स रेट जो हायर है डिविडेंड के ऊपर, तो कंपनी कोशिश करती है, शेयर होल्डर कोशिश करते हैं इनको कम से कम डिविडेंड मिले, और कंपनी भी कोशिश करती है इनको कम डिविडेंड पेड करे। और इन द वे ऑफ कि यदि टैक्स ऑन डिविडेंड कम है, रिलेटिवली लोअर रेट है, तो उस कंडीशन में ज्यादा डिविडेंड पेड करना कंपनी पसंद करती है। तो मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करूंगा, आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये फैक्टर कैसे करता है। हाँ बिल्कुल खुशी अग्रवाल जी, मैं बताता हूँ आपको, और अदिति जी आपके क्वेश्चन का भी मैं आंसर देता हूँ। देखिए स्टॉक मार्केट रिएक्शन के बारे में आप बात करें, तो सबसे पहले आप ये बात समझेंगे कि जितना अच्छा डिविडेंड आप अपने शेयर होल्डर को देंगे, उतने ज्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर आपके खुश होंगे, उतना ज्यादा वो पैसा मार्केट में और लगाने की कोशिश करेंगे आपकी कंपनी के अंदर, तो उससे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट रिएक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, आपकी शेयर्स की वेल्थ बढ़ेगी। लेकिन यदि आप डिविडेंड ही नहीं दे रहे हैं, पैसे को रीइन्वेस्ट किए जा रहे हैं, रिटर्न्स कोई आ नहीं रही है शेयर होल्डर्स को, तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, शेयर होल्डर उस कंपनी से पैसे को विड्रॉल करने की कोशिश करेगा और किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरी सिक्योरिटी में लगाना पसंद करेगा, उसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए शेयर होल्डर प्रेफरेंस की, तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि शेयर होल्डर चाहते हैं डिविडेंड लेना,
तो आप डिविडेंड बांटेंगे, वो चाहते हैं कि पैसे को रीइन्वेस्ट किया जाए तो आप रीइन्वेस्ट भी करेंगे। एक क्वेश्चन और आया, जरा देख लेते हैं क्या है। श्योर अक्षत, मैं आपको ऐड करता हूँ, आपको जो है ना अपना यहाँ नंबर जो है ना शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको वहां ऐड कर सकूं, या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। चलिए नेक्स्ट है लीगल कंसंट्रेंट्स। जी अदिति बताइए। टैक्सेशन पॉलिसी एक बार एक्सप्लेन। टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल। देखिए टैक्सेशन पॉलिसी होती क्या है, जो डिविडेंड होता है ना उस, वो जो इनकम होती है वो शेयर होल्डर्स की पर्सनल इनकम कंसिडर की जाती है। यदि उस पर टैक्स रेट ज्यादा है तो शेयर होल्डर चाहते हैं उस पैसे को मार्केट में, वो बिजनेस में एज इट इज रिटेन रहे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में वो पैसा लगाया जाए। अगर टैक्स रेट ज्यादा है, और टैक्स रेट यदि कम होगा तो वो डिविडेंड को इन हैंड लेना पसंद करेंगे, कैश में लेना पसंद करेंगे, ताकि वो उस पैसे को अपने अकॉर्डिंगली कहीं री इन्वेस्ट कर सकें। तीन पॉइंट हमारे यहाँ बचे हैं और जो समय हमारे पास बचा वो डेढ़ मिनट का बचा है, तो थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको ये एक बार अपनी बुक से रीड आउट कर लेने हैं। एक क्वेश्चन आया है, मैं उस क्वेश्चन को भी एक बार साथ साथ देख लेता हूँ। नो इशू विकास जी, नो इशू, ये क्लास रेगुलर रहेगी, ध्यान रखिएगा रेगुलर आप लोगों को इस क्लास को ज्वाइन करना है ताकि मैं इन चार चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर सकूँ। मैक्सिमम 30 मार्क्स के चैप्टर हमारे एग्जाम में आते हैं, 30 नंबर आपके कहीं कटने नहीं चाहिए। चलिए एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। ये एक्सेस टू कैपिटल मार्केट क्या है, यदि आप इजिली मार्केट से पैसा ले पाते हैं तो आप इजिली जो है डिविडेंड बांट दीजिए, नहीं ले पाते तो आपको डिविडेंड बांटने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट को आप क्या करेंगे रिटेन कर लेंगे। बाकी दो फैक्टर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इनको आपने डिस्कस करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने पूछना है, और आज की क्लास को मैं यही वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दो क्वेश्चन है उनको एक बार देख लेता हूँ। हाँ, दोनों पर टैक्स लगता है दीदी, डिविडेंड पर भी और प्रॉफिट पर भी। प्रॉफिट पर कंपनी को टैक्स पेड करना होता है और डिविडेंड पर शेयर होल्डर्स को टैक्स पेड करना होता है, ध्यान रखिएगा, वो उनकी पर्सनल इनकम हो जाती है इसलिए वो उनके ऊपर टैक्स पेड करेंगे। होप सो आपको क्लियर है दीदी। यस सर। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास, मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स के साथ आज की क्लास में। थैंक यू सर। नहीं, वेलकम टू यू, माई प्लेजर ऑल्सो। चलिए क्लास को जो है हम वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं।